माइंड कंट्रोलर बी। मोना देखो, ये है माइंड कंट्रोलर बी रोबोट। ये किसी भी रोबोट को डिटेक्ट करके उसके कान से घुस के ब्रेन में चला जाएगा और फिर ब्रेन को अपने कब्जे में करके उस रोबोट को यहाँ ले आएगा। मियाँ, you are genius, boss, super duper genius, मियाँ। आप दोनों में क्या बात हुई ये तो मुझे पता नहीं, but she is right, boss, she is right। ओहो, ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? बॉस बचना, ये बहुत जोर से काटती है। टिम्बक्टू सुनो, एक मिनट, एक मिनट दीजिए बॉस, इसे अभी मार के बाहर निकालता हूँ वरना ये आपको काट लेगी। अरे कोई मुझे इससे बचाओ। मैं बचाऊंगा बॉस, मैं रोकूंगा इसे। आप एक जगह खड़े हो जाइए बॉस। मुझे बचाओ बॉस, मुझे बचाओ। टिम्बक्टू रुक जाओ, मैं कहता हूँ स्टॉप, स्टॉप। मैं रुक गया तो ये आपको काट देगी। मैं जब तक आपको बचा नहीं लूंगा चैन की सांस नहीं लूंगा बॉस। म्याओ बॉस, ही इज अ फूल, सुपर डुपर फूल। म्याओ, शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। बॉस, मैंने मार दिया उसे। आप बच गए बॉस, आप बच गए। मैं तो बच गया लेकिन तुम नहीं बचोगे। बॉस, क्या हुआ बॉस, आप नाराज क्यों हो गए बॉस? चुलबुल तेज चलो और तेज। मैं खड़ा हूँ, घोड़ा नहीं जो और तेज दौड़ू। तुम लोग राउंड लगा के आओ, मैं यहीं कुछ खा पी लेता हूँ। बॉस, बॉस, मिशन पूरा हुआ। वो माइंड कंट्रोल करने वाला भी उसके कान से दिमाग में चला गया है। अब उस रोबोट को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मियाँ, you're a genius, boss, super duper genius, मियाँ। क्या हो रही? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? चल गुरु, हो जा शुरू। ओए, ये नारियल कहाँ से गिर रहे हैं? चड्डा अंकल। ओए वीर, बचाओ, ये मेरे ऊपर कहाँ से आ गए, उतारो इन्हें। कोई रोको इसे, चुलबुल रुक जाओ। अचानक इस तरह अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो कभी किसी को परेशान नहीं करते। पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। कर रहा है कहीं वीर की इस बिहेवियर के पीछे उसका हाथ तो नहीं? दादाजी को बुलाना होगा।
Come on, let's dance with the music. दादाजी, वो देखिए, वीर आज कैसे बिहेव कर रहा है। मैंने टिम्बकटू को यहाँ देखा था, जरूर उसी ने वीर को कुछ कर दिया है। वीर का दिमाग उसके बस में नहीं है, उसे घर लेकर चलना होगा। वीर, इधर आओ वीर। बॉस, बॉस, वो रोबोट तो डांस कर रहा है। आपके रोबोट ने उसके दिमाग पे कब्जा किया कि नहीं पता ही नहीं चल रहा। लेकिन एक बात है, वो हमारी डेन की तरफ ही बढ़ रहा है। हमारी डेन? ये हमारी लैब है, डेन नहीं। सॉरी बॉस, सॉरी। क्या है कि खामोश, तुमने फ्लाई स्वेटर से माइंड कंट्रोल बी को मारा था। शायद इसी वजह से उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, इसीलिए अभी तक वो उस रोबोट के माइंड को कब्जे में नहीं कर पाया। लेकिन वो अपना काम जरूर करेगा, तुम उस पर नजर रखो। ओके बॉस, ओके। और सुनो, उसे हमारी लैब तक नहीं आने दो। मैं बर्बाद चौक पे अपना ट्रक भेज रहा हूँ, उस ट्रक में उसे बंद करके ले आना, समझे? ओके बॉस, ओके। बर्बाद चौक पहुंच के डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट बर्बाद हो जाएगा। वो एक बार उस ट्रक में आ गया तो फिर कभी निकल नहीं पाएगा। दादाजी, वीर को देखो, पता नहीं कहां जा रहा है। चिंटू और चुलबुल का भी कुछ पता नहीं। हम यहाँ हैं। क्या हुआ? ये वीर डांस क्यों कर रहा है? मैड मैक्स ने उसके दिमाग को किसी वायरस की मदद से कंट्रोल कर लिया है। ये वायरस क्या होता है दादाजी, मुझे बताइए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। वो तुम्हारी समझ से बाहर है। अब उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, मैं किसी तरह इस रोबोट को वीर के दिमाग में भेज दूं, ये सब ठीक कर देगा। वीर ही अंदर जाके अपने दुश्मन से लड़ेगा। ये अंदर कैसे आ गया? इसके अंदर तो मैं आया हूँ। फौरन बाहर चले जाओ वरना मसल के रख दूंगा। चलो देखते हैं, लेट द गेम बिगिन। अब मैंने वीर का प्रोजेक्शन मोड ऑन कर दिया है, अब हम स्क्रीन के जरिए सब देख पाएंगे। मैं यहाँ हूँ। हेलो, मैं यहाँ हूँ। वीर, पीछे पीछे देखो वीर। वीर। कैसा लगा मेरा वार? अब क्या करोगे हीरो, अब बच के दिखाओ। हैं?
एंड इज नियर। कैसा लग रहा है? मैं अंदर जाता हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं चिंटू, ये तो रोबोट्स की लड़ाई है, उन्हें ही लड़ने दो, वीर जरूर जीतेगा। दादाजी जल्दी कुछ करिए। चलो अब घर चलते हैं। लेट्स गो हो। वो एक छोटा सा रोबोट था, असली वीर यहाँ है और अब वो ठीक हो गया है। चलो अब चूरा बाहर निकाल लेते हैं ताकि वीर का दिमाग साफ हो जाए। अब तुम जाओ और अपने बॉस को नचाओ। दादाजी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत लंबी कहानी है, घर चलो बताते हैं।